अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की रेसिपी है टूना फिश। तो चलो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले ली हूँ, इसे अच्छे से पहले हम गरम कर लेंगे। पैन अच्छे से जब गरम हो जाए तब हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज के ओनियन में कट कर ली हूँ और 1 मीडियम साइज में टोमेटो चॉप कर लिए। अब इसे ऐड कर लेंगे हम। पहले हम ओनियन ऐड करेंगे। ओनियन को हमें ब्राउन करना है, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब ओनियन हो चुकी है, अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसे भी हम 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे गार्लिक जिंजर पेस्ट को। अब 2 मिनट कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसके अंदर टोमेटो ऐड करेंगे जो हमने चॉप करके रखे थे। अब इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये टोमेटो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। टोमेटो सॉफ्ट हो गया है, टोमेटो को सॉफ्ट करने के लिए हम कवर करके इसे फ्राई करेंगे। टोमेटो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर और 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, इन सबको भी हम ऐड कर लेंगे। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। वन मिनट तक हम इसे पहले अच्छे से फ्राई होने देंगे। 1 मिनट के बाद हम थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेंगे जिससे हमारा मसाला अच्छे से घुल जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करेंगे हम। वाटर इसलिए ऐड करें ताकि मसाला अच्छे से हो जाए हमारा। अब इसे कवर कर देते हैं और गैस की फ्लेम को लो कर लेते हैं। हमारा मसाला अच्छे से हो चुका है, ऑयल इसमें से अच्छे से रिलीज हो चुका है। अब हम इसके अंदर 4 ग्रीन चिल्ली इस तरह से कट करके ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टूना फिश ऐड कर लेते हैं, इसे ऐड कर लेंगे। अब हम इसे ऐड कर लेंगे। अब फिर उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे हम, हाई नहीं करेंगे। फिर 1-2 मिनट हमें बिना ढक्कन के इसे कुक करना है ताकि इसकी जो स्मेल है वो निकल जाए। के बाद अब हम इसके अंदर थोड़ी सी चॉप हुई कोरिएंडर ऐड कर लेंगे। बस अब हमें इसे मिक्स करके गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे डिश आउट कर लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका लुक है। तो हमारी रेसिपी रेडी है, आप देख सकते हो। आप भी बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।